अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान बामुकाबला पाकिस्तान मिलिट्री पावर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फौजी ताकत का मवाजना जियोपॉलिटिकल हलकों में एक अहम दिलचस्पी और बहस का मौजू है। ये दोनों जनूबी एशियाई ममालिक दोनों जौहरी सलाहियतों के मालिक हैं, सियासी तनाजात और फौजी तातल की एक तवील तारीख रखते हैं। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान और भारत के फौजी ताकत के मवाजने में मुख्तलिफ अवामिल का जायजा लेंगे, जैसा कि दफाई बजट, अफरादी कुव्वत, साजो सामान, तकनीकी तरक्की और तजवीराती सलाहियतें वगैरह। जी तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के ग्लोबल रैंक की, तो इंडिया इस वक्त दुनिया में चौथे नंबर पर मौजूद है, जबकि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सातवें नंबर पर मौजूद है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम नरेंद्र मोदी, जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं। अब हम बात करते हैं इनके रकबे की। इंडिया का कुल रकबा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि पाकिस्तान का रकबा 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर है। इंडिया की मौजूदा आबादी 1.41 बिलियन, जबकि पाकिस्तान की मौजूदा आबादी 231 मिलियन है। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, जबकि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के जीडीपी बजट की, तो इस वक्त इंडिया का जीडीपी बजट है 3.469 डॉलर ट्रिलियन, जबकि पाकिस्तान का जीडीपी बजट है 376 बिलियन डॉलर। बात करते हैं इनके डिफेंस बजट की, तो इंडिया का डिफेंस बजट है 66 बिलियन यूएस डॉलर, जबकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट है 10.4 बिलियन यूएस डॉलर। बात कर लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर की, तो इंडिया के पास इस वक्त 160 न्यूक्लियर पावर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर पावर मौजूद हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के लैंड फोर्स की, तो इंडिया की लैंड फोर्स है इंडियन आर्मी, जबकि पाकिस्तान की लैंड फोर्स है पाकिस्तान आर्मी। अब अगर बात कर ली जाए इंडिया और पाकिस्तान की टोटल आर्मी की, तो इस वक्त इंडिया की टोटल आर्मी है 51,37,500, जबकि पाकिस्तान की टोटल आर्मी है 14,95,000। अब हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के टोटल एक्टिव पर्संस की, तो इस वक्त इंडिया के टोटल एक्टिव पर्संस की तादाद है 14,55,550, जबकि पाकिस्तान की टोटल एक्टिव पर्संस की तादाद है 6,54,000। अब हम बात कर लेते हैं रिजर्व पर्सन की, तो इस वक्त इंडिया के रिजर्व पर्सन की तादाद है 11,55,000, जबकि पाकिस्तान के रिजर्व पर्सन की तादाद है 5,50,000। अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बैटल टैंक की तादाद को देखा जाए, तो इस वक्त इंडिया में 4,732 मेन बैटल टैंक, जबकि पाकिस्तान में 3,742 मेन बैटल टैंक मौजूद हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आर्मर्ड व्हीकल की, तो इस वक्त इंडिया में आर्मर्ड व्हीकल की तादाद है 1,882, जबकि पाकिस्तान के आर्मर्ड व्हीकल की तादाद है 77,771। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं एपीसी की, तो इस वक्त इंडिया में एपीसी की तादाद 1,590, जबकि पाकिस्तान में एपीसी की तादाद 4,100 है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान आर्टिलरी की। इंडिया में मौजूद इस वक्त टोर्ड आर्टिलरी की तादाद है 3,311, जबकि पाकिस्तान में आर्टिलरी की तादाद है 3,345। फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ प्रोफाइल्ड आर्टिलरी की, जिनकी तादाद इंडिया में 100 है, जबकि पाकिस्तान में 1,225 है। अब अगर बात कर ली जाए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रॉकेट आर्टिलरी की, तो इस वक्त इंडिया में इनकी तादाद 1,500, जबकि पाकिस्तान में रॉकेट आर्टिलरी की तादाद 1,738 है। तो फ्रेंड्स, एयरफोर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की एयरफोर्स पर। इंडिया की एयरफोर्स को कहा जाता है इंडियन एयरफोर्स, जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स को पाकिस्तान एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टोटल एयरक्राफ्ट्स की, जिनकी तादाद इंडिया में है 1,958, जबकि पाकिस्तान में एयरक्राफ्ट की तादाद है 1,143। जबकि फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अटैक फाइटर की, ठीक है, तो इनकी तादाद इंडिया में 258 है, जबकि पाकिस्तान में 199।
फ्रेंड्स, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। इंडिया में इनकी तादाद 440 जबकि पाकिस्तान में मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की तादाद 372 है। अब बात करते हैं हम ट्रेनर एयरक्राफ्ट की, तो इंडिया में ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तादाद 416 जबकि पाकिस्तान में ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तादाद 344 है। इंडिया में मौजूद हेलीकॉप्टर्स की तादाद 806 जबकि पाकिस्तान में मौजूद हेलीकॉप्टर्स की तादाद 368 है। हेलीकॉप्टर्स के बाद बात कर लेते हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स की, जिनकी तादाद इंडिया में 42 जबकि पाकिस्तान में 92 है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इनकी तादाद इंडिया में 262 जबकि पाकिस्तान में 59 है। इंडिया में एयरक्राफ्ट कैरियर की तादाद 2 जबकि पाकिस्तान में एयरक्राफ्ट कैरियर की तादाद 0 है। हेलीकॉप्टर कैरियर की तादाद इंडिया में 0 जबकि पाकिस्तान में भी हेलीकॉप्टर कैरियर की तादाद 0 है। अब बात कर लेते हैं सबमरीन्स की, जिनकी तादाद इंडिया में 17 जबकि पाकिस्तान में 8 है। डिस्ट्रॉयर्स की बात कर लें तो इनकी तादाद इंडिया में 11 जबकि पाकिस्तान में 2 है। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस से आप बाखबर रह सकें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।